अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये मैंने कुछ सामान मंगवाया था, कुछ थोड़ा सा मंगवाया। दालें सारी ख़त्म हुई थी और मैंने अपने मियाँ को बोला था कि जितनी है ना सारी एक एक छोटा छोटा पैकेट उठा के ले आना, और वो सारी ले आए हैं। चने की नहीं लेके आए, चने के साथ वो एक तूर की दाल है ना, ये वाली अभी दिखाती हूँ, वो ले आए। मैं पहले भी एक दफ़ा लेके आई थी, मैंने पकाई नहीं थी कि कड़वी बनती है, लेकिन अब मैंने पकाने पकाने में कद ज़ाया नहीं करने पैसे, क्योंकि बड़े मैसेज आए थे कि तुसी पका के देखो बड़े मज़ेदार बनती है। मैं कहा नहीं, हूँ मैं पकाने पकानी, अब दालों में बेशक छुपा छुपू के मिक्स करके बना लूँ, लेकिन मैंने आज दालें भी बनानी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे जाके। सब तो पहले चाह चू पी लीए ना, केक रस आए हूँ तो फिर चाह ना पी अंज हो नहीं सकता। इतना दिल कर जब केक रस आते हैं ना, मेरे बच्चों को भी ईद हो जाती है और मेरी तो वैसे ईद हो जाती है। मुझे खुद इतने पसंद है केक रस, रस बखनी पाकिस्तानी जो होते हैं ना, इसके साथ तो फिर चाय का और ही स्वाद निकल के आता है। तो हूँ जिन्नी मेरी थकावट हुई ना चाह देख, फिर मेरा दिल करता है जब मैं वॉइस ओवर करने लग जाऊँ ना, कोई मेरे चाह दे कोल मेरा मग लेके आए चाय को, मैं साथ साथ एक चस्की चाय के लू साथ में वॉइस ओवर करूँ, इतना दिल कर रहा है। क्योंकि मैं गई हुई थी बाहर, मेरी ना क्या कहते हैं कुछ चीज़ें लेनी, तो ठंड इतनी ज़्यादा थी, तो अब मैं आके वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने कहा आपके साथ बातचीत कर लें थोड़ी सी ना। कल की मैंने अपनी वीडियो डाली हाउस टूर की, और आप लोगों ने इतनी पसंद की, इतनी पसंद की है, और इतनी दुआएं दी हैं, सच्ची बात है, दिल खुश हो गया। मैंने कहा पैसे तो खाए खसमानू पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, जो आप लोगों के से प्यार और दुआएं मिलती ना, सच्ची सबसे कीमती ये वाली चीज़ें होती है जो आप लोग देते हैं। तो सबका बहुत शुक्रिया, खुश रहे। सच्ची में जो मुझे आपने दुआएं दी, मेरे दिल से वही दुआएं वापस निकलती कि अल्लाह ताला सब आप सबको भी ऐसे अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो शुक्रिया जी, बहुत बहुत। चले जी वापस आ जाने हूँ फिर किचन में। फिर किचन च मतलब कि किचन च ही रहते हैं, तुहानू पता साड़ी अद्धी जिंदगी किचन च लंघ जाती। तो मैं बना रही थी पास्ता, तो अभी मैंने पास्ता नहीं बना रही थी, मैं कुछ और ही बना रही थी, बनाना कुछ और था बन कुछ और गया। तो अभी मैंने नूडल्स जो है ना, मैंने उबलने के लिए रख दिया ऑयल और नमक डाल के, और अब अलग से मैंने लिया ऑयल, साथ मैंने लहसुन थोड़ा सा डाला उसकी बनाई किया, फिर छोटू सा प्याज लिया, और इसको मैं थोड़ा दो तीन दफ़ा ना चम्मच हिला के इसको फिर फूर के ना, फिर उसके बाद मैं डालूंगी कीमा। कीमा जो है वो मेरे पास पड़ा था, मैंने हाफ के जी था वो डालूंगी, और उसकी कीमे की ना अच्छी तरह बनाई करनी जितनी तुहाड़े कोल हो सके, क्योंकि इसकी स्मेल बड़ी आती है ना, स्ट्रोंग आती है। अगर आप इसकी बनाई अच्छी से कर देंगे फिर वो स्मेल खत्म हो जाएगी। तो उसको मैंने अच्छी तरह भूनना है, इन्ना क भूनना है कि तुम ना एंजी खा लो तन कुछ पाने ना पवे। तो अभी इसकी मैं बनाई शनाई करूंगी, ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ उनको। मैंने कहा जब वॉइस ओवर करने लग जाते ना, जहां मैं छुप के बैठती हूँ उसे कोई ना कोई टपक पैंदा, तो मेरी आ जाती है ब्रेक। तो अभी मैं कीवे में डाल रही हूँ नमक डाली, मैंने हाफ छोटी चम्मच और नमक मिर्च डाली, नमक डाला काली मिर्च डाली, और मैंने डाले ओरिगानो। ये तीन चार चीज़ें जाएंगी अपने टेस्ट के हिसाब से डाले, बस यही जानी है बस। उसके बाद मैं इसको बनाई शनाई करके इसको छोड़ दूंगी ना, छोड़ दूंगी नहीं मतलब इन्हें छड़ना तो नहीं, इन्हें पकाना वे छड़ दिता तो पकाना किन्ने वे, किसी ने नहीं पकाना, आप ही पकाना है। तो साथ साथ मैं जो पास्ता है वो भी देख रही थी कि बहुत इन्ना ना गल जाए, तो ये मैं बच्चों के लिए खाना बना रही थी। क्योंकि आज मैंने ना आफिया की, ये मर्जी की चीज़ें होती है, जब आफिया मुझे कह देती, कोई भी बच्चा कह दे, है नहीं कि आफिया कोई भी कह देना, फिर आपकी ना एक तो चलो टेंशन खत्म हो जाती है कि चलो बच्चे ने खुद ही बता दिया ना, और ऐसी चीज़ बताई जो सब खा ले फिर तो और ही मज़ा आ जाता है ना। तो उसने बोला था, मैंने कहा चलो बना लेती, जो खाएगा खाएगा, जो नहीं खाएगा फिर जो हम खाना बनाएंगे वो खा लेंगे। तो अभी मैं टमाटो पेस्ट जो है ना वो मैं पूरा एक डब्बा जो है ना वो भर के डाल दूंगी, और साथ थोड़ा सा पानी डाल के, पानी के मुझे लगता है थोड़ी वीडियो स्किप हो गई है, लेकिन थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी, ताकि जो शोरबा शोरबा जो होता है ना कीमा वो वाला बन जाए। इसकी मैं थोड़ा सा डांपूंगी, ये नहीं है कि ऐसे पक जाना, क्योंकि पेस्ट को भी पकना चाहिए ना। तो ये देखिए थोड़ा सा हो गया ना शोरबे शोरबे वाला कीमा वो, तो क्योंकि मैंने ना जो पास्ता इसके अंदर मिक्स नहीं करना, बच्चे मिक्स करने नहीं देते, तो अभी मैं इसके अंदर चीज़ डालूंगी जितनी मेरे पास थी वो डालूंगी। आपके पास ज़्यादा आप ज़्यादा डालें, मेरे बच्चे इतनी ज़्यादा खाते नहीं है, बस ये है कि थोड़ी सी ग्लीसरी ग्लीसरी हो जाए। तो खैर कहते मुझे मिक्स करने नहीं देते, ऐसे सेपरेट सेपरेट रहने देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब आप पास्ता अंदर डाल देती ना वो सारा पास्ता जो ना वो जूस पी जाता है, और मज़ा नहीं आता, खुश खुश हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है ना। तो इसलिए ऐसे अलग अलग मैं रखती हूँ, ताकि जिसने जितना डालना है ना वो उतना डाल के, वही थाडे वांगू दाल चावल समझ गए हो तुसी, जैसे हम दाल चावल खाते हैं, इन्हां दे दाल चावल ने गोरिया दे बच्चिया दे जिहड़े बाहर दे बच्चे उन्हां दे दाल चावल ने। तो अभी मैं फल शल काट के तो खुद खाने लगी, साथ मेरे मियाँ ना काम कर रहे थे, मैं उनको, क्योंकि मेरे मियाँ फल खाने में बड़े ही माठे हैं, इंतहा के माठे हैं, साथ उनको भी खिलाऊंगी साथ खुद खाऊंगी। तो बरात का टाइम है, तो मैं सारी दालों की लैन बनिया, इन मैं दालां लिया, तो इन्हें मैं किया मिक्स, तो मेरा रात को भिओ देना, मैं सुबह अज ना दालें चलन गया। तो जब सुबह हुई ना तो फिर इनके पप्पो का फोन आया कि मैं आऊँगी,
तो मैंने कहा चलो तुसी भी आके दालें ही खाओगे, नहीं दालें बनाऊंगी साथ में और भी खाना बनाऊंगी, क्योंकि ये मैंने भुगो दी थी तो मुझे ये था कि चलो यही मैं एक साथ बना लेती हूँ, साथ में कोई एक हांडी देख लेती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। तो अभी मैं इसको भुगो के रखूंगी, सुबह उठूंगी तो देखूंगी ये कैसे, क्योंकि मैं ये जो मिक्स दाल है इसमें बहुत कम बनाती हूँ, आपको पता है मेरी मसर बना लेती हूँ, मसर दाल बना ली बस ये बहुत कम चने की दाल बना लेती हूँ, बच्चे सिर्फ मेरे मसर और मसूर खाते हैं। तो अभी मैंने बड़ी ही देर के बाद मुझे लगता है मैं पहली बार ये मिक्स दालां जिहड़ियां ना मिक्स पकान लगी हाँ, हूँ पता नहीं कैंज दे बनते। खैर जिहड़ी चीज़ नूं तुसीं हाथ पाओ ना बिस्मिल्ला करके वो काम कदी नहीं अधूरा रहिंदा, मज़ेदार ही बनता है। अभी मैंने ऑयल लिया है हाफ छोटा सा, मैंने लिया प्याज उसकी मैं बनाई करूँगी, और इसके अंदर जाएंगे लहसुन के जवे वो डालूंगी, साथ में एक बड़ा सा टमाटर लेके ना वो डालूंगी, और इसके अंदर जाएंगे मसाले वही मेरे मसाले हैं तीन, मेरे कोई खास मसाले नहीं है, नमक मिर्च हल्दी ये तीन मसाले जाएंगे अंदर, और जैसे मसाला भुनेगा फिर मैं इसके अंदर डालूंगी। तकरीबन मैं ना 3 लीटर मैं पानी डाल, 3 नहीं तुसी 2.5 कर लो, 2.5 लीटर मैंने पानी डाल देना है, और फिर इसके अंदर दाल डाल के मैंने 12 से 14 मिनट जो है ना वो मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी, ताकि दालें जिहड़ी ना वो नज़र ना एक दूजे के विच मिक्स हो जाए। जैसे हलीम है ना वैसे वाले मैं स्टाइल बना रही हूँ। अभी मेरे पास वो चिकन का पाउडर नहीं था, नहीं तो मैंने वो भी डालना था, वो बना डाल लेती फिर तो हलीम ही बननी थी, तो यही समझो मिक्स दालों की हलीम बन रही हूँ बगैर चिकन के बगैर गंदम के, तो वो वाला टेस्ट ही आया था, इतना मज़े की दाल बनी थी। अभी मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ। तो ये देखे दालें डाल लूँ के फिर मैं इसको लगा दूंगी प्रेशर। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि हूँ दूसरी हांडी की पके केड़ी ऐसी चीज़, क्योंकि फुफो और इनकी कज़न थी मतलब बेटी थी उनकी, बस दो ही थे बेटे उनके आए, उनकी सारे काम काम शाम पे गए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे कुछ और साथ बना लेती हूँ जो सब खा ले। तो मैंने क्या किया, मैंने साथ पुलाव बना लिया चनों वाला, साथ मैंने सोचा कि चलो मैंने गोश्त को लगा दिया प्रेशर, मैंने कहा देखती हूँ इसके अंदर क्या डालती हूँ। तो अब ये देखे दाल का मैंने प्रेशर खोला है, और जाएगा इसके अंदर गर्म मसाला, और जाएगी इसके अंदर मेथी, हाँ सूखी मेथी जाएगी, और धनिया जाएगा बाद में, पहले मैं इसका तड़का शड़का बना लूँ, तड़का लगा के ना फिर जब सजावट कराँगे ना फिर धनिया डालेंगे। अभी मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, अभी मैं छोटी सी टुकड़ी ना मक्खन की भी डाली है, और हरिया मिर्चा तो बाद में डाली सी। ये देखिए साथ में आलू गोश्त, मैंने गोश्त को मैंने बोला ना मैंने गलने के लिए रख दिया था, फिर मैं आलू ही पा ले, मैं क्या सदाबहार सब्जी बनाओ, कोई भी मेहमान की कोई आती ना फैमिली है आलू गोश्त ना हो तो फिर लगता ही नहीं कि खाना बना मैं, क्योंकि ये तो फेवरेट है ना मेन सब्जी आलू गोश्त ही है, प्रधान प्रधान नहीं होते वो वाले हैं। तो अभी तड़का लगाऊंगी दाल को, मैंने ऑयल डाला है साथ में डाले जवे उसके लहसुन के, और 3 बड़ी जो है वो ड्राई जो लाल मिर्च होती है वो डाले, गोल वाली मुझे बड़ी पसंद है वो मेरे पास थी नहीं। तो ये देखिए जी दाल को मैंने निकाल ली अपने जिसमें डालना था, अब इसको मैं तड़का शड़का लगा के तो उसको कर दूंगी साइड पे। ये मैंने निकाला क्योंकि जब मुझे ये था मैं टेबल पे रखूंगी ना इसको ही चूल्हे पर आके ना गर्म कर लूंगी, माइक्रोवेव में नहीं डालना पड़ेगा। तो अब मैं बना रही हूँ चनों का पुलाव, व्हाइट चने जो है ना एक मैंने निकाल लिया टीन, वो मैंने दो दा के रख लिया, साथ में तड़का शड़का ऊपर रख लिया, तो मैंने बना रखी चावल। अच्छा जी चावल के साथ बनाते बनाते मैं आपके साथ बात भी कर लेती हूँ, कल मुझे मैसेज ये भी आ रहे थे ना कि लुकमान का कमरा आपने क्यों नहीं शेयर किया, लुकमान का कमरा भी मैं करूँगी। उसके थोड़ा सा ये हुआ है कि लुकमान मुझे ना उसकी एक दीवार है उसने खुद जो पेंटिंग की हुई है ना, तो उसको ये है कि मैं वो खुद अपने ना एक दीवार पे उसने सारे लगाने हैं, और उस चक्कर में वो दीवार को ना खलारा पलारा उसने किया हुआ है, तो उसके फ्रेम नहीं मिल रहे जो उसने पेंटिंग वगैरह की हुई है ना, उसके फ्रेम पता नहीं कैसे उसको चाहिए वो उसको मिल नहीं रहे, वो भी ढूंढ रहे हैं, जैसे वो मिलेंगे उसको सेटमेंट करेगा। अब नॉर्मल तो उसका कमरा बिल्कुल 100% सेट हो गया, शुक्र अल्लाह का मेरा सारा काम खत्म हो गया, तुहानू पता तो होना कितना मजा आंदा जो तुहाडे सारे घर दी सफाई सुथराई, और उपर से ऐसे जैसे रमजान मुबारक आ रहे हैं तो आपको पता है कि घर के साफ सुथरा फिर कोई टेंशन है, यही पता होता है काम करना है रोजे रखने हैं इबादत करनी है, जितना थोड़ा बहुत गुंजाइश होती बंदे ने पढ़ना होता है तो वो बड़ा रिलैक्स हो गई हूँ मैं। तो अब चावल देखे धनिया डाल दिया मैंने ऊपर, इसको जाएंगे दम पे, दम पे रखते ही मैं डायरेक्ट आपको टेबल पे लेके जाती हूँ। तो मैंने सारा खाना शाना जो भी बनाया था मैं सेट कर दिया था, बाजी भी आ गए थे इतनी देर में तो सबको बड़ी भूख लगी थी, ये था। अच्छा मैंने नया जो डिनर सेट है वो मैंने कंट्रास्ट कर लिया ब्लैक के साथ, क्योंकि स्किन है ना तो स्किन को मैंने ब्लैक के साथ कर लिया, मैंने कहा चलो ये तो मेरे पास डोंगे हैं ना जो है उनको मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो मैं कंट्रास्ट कर लिया मैंने ब्लैक को यूज़ किया साथ इसके। तो ये देखिए ये इसके अंदर एक के अंदर मैंने डाले हैं चावल, और एक के अंदर डाले मैंने आलू गोश्त, और जो ब्लैक में मैंने दाल डाली थी ये तीनों मेरे इसके साथ कंट्रास्ट में चले गए, जैसे उसका कलर मिलेगा मुझे तो मैं ले लूंगी, नहीं तो ये मैंने सोच लिया कि इसके साथ ऐसे मैं ना मिक्स एंड मैच करके अपना डाइनिंग टेबल सजा लूंगी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा लुक आ गया था, मैं कहा चलो पैसे मेरे हो गए पूरे। ये देखिए ये जो मेरे बर्तन है ये तुर्की मार्केट है, मुझे अब उसका नाम नहीं आता, वो उसके अंदर पूरे फर्नीचर की वो भी मार्केट है, मैंने काफी उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है स्टार्टिंग में, मैंने ना अभी मैं काफी देर पहले की नहीं गई, नहीं मैंने वीडियो अपलोड की, लेकिन मैं जाऊंगी कोशिश करूंगी, उस वहां के भी बर्तन इंतहा के प्यारे हैं, तो वहां से ये मैं जो ब्लैक वाले डोंगे और ये ब्लैक देखची है
ये मैं वहां से लेके आई थी, बड़े प्यारे उनके बर्तन होते हैं। और मैं दोबारा कदी गई ना, मैं तो जरूर वहां आवा, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तब की ये मेरे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है जब जैसे आप लोग देखते भी पूछने लग जाना कि कहाँ से लिए, तो मैंने ये था मैं आप दास ही दवा। अगर मैं दोबारा गई ना तो मैं आप विजिट करूंगी जरूर। ये देखें, ये मैं कह रही थी कि मिक्स एंड मैच करके ना बड़ा प्यारा मेरा एक सेट बन गया था। सही है जी, पसंद आई वीडियो कल दी भी, ते आज दी भी अगर पसंद आई तो जरूर कमेंट्स करियो। जंज कल कीते ने ते बड़ा ही मजा आया कमेंट्स पार के, ते आज भी जरूर उंज ही करियो। ते विनोद दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दम याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।